जो बांग्लादेशी घुसपैठिए यानी अवैध नागरिक हैं, वो सिर्फ असम तक सीमित नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे तो बिहार और बंगाल में भी नागरिकता की जांच की मांग कर रहे हैं। आज इसी बात पर संसद परिसर में खूब हल्ला हुआ। 100 बार आसाम में गया, मैं जानता हूँ भाई साहब, मैं जानता भाई साहब कौन क्या कहता है, मैं जानता हूँ। उल्टा पलटा बात कर रहा है, आपको कहने का अधिकार है, आप कहिए ना, आप कहिए, मुझे कहने का अधिकार है, आप नहीं छीन सकते। करीब 80 सेकंड तक संसद परिसर में देश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप भट्टाचार्य में तीखी नोकझोंक हुई। मैं जानता हूँ, मैं भी बिहार का हूँ, बंगाल का आदमी हूँ, मैं भी बंगाल और बिहार के मैं 100 बार आसाम में गया, मैं जानता हूँ भाई साहब कौन क्या करता है, मैं जानता हूँ। उल्टा पलटा बात कर रहा है, आपको कहने का अधिकार है, आप कहिए ना, आप कहिए, मुझे कहने का अधिकार है, आप नहीं छीन सकते। संसद परिसर में हुई इस हाई वोल्टेज नोकझोंक को देखकर शुरू में तो तमाम पत्रकार हक्के बक्के रह गए। लेकिन दोनों नेता मीडिया के कैमरों के सामने जोर जोर से अपनी बात बोलते रहे। हुआ यू कि संसद से निकलने के बाद कैंपस में अश्विनी चौबे पत्रकार को बाइट दे रहे थे, तभी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप भट्टाचार्य वहां से गुजरे और उन्होंने चौबे पर गलत बयानी का आरोप लगा दिया। इतना सुनना था कि चौबे जी भी चढ़ गए, बात बिहार और बंगाल की होने लगी, दोनों एक दूसरे को मैं भी सांसद कहकर मानो लड़ने लगे। असल में नागरिकता के मुद्दे पर अश्विनी चौबे घुसपैठियों को भारत छोड़ने की बात कह रहे थे, जबकि कांग्रेस के सांसद प्रदीप भट्टाचार्य का कहना था कि बीजेपी अल्पसंख्यकों को असम से हटाना चाहती है। ये पूरा विस्तृत करता है, कुछ नहीं जानता है, ये फालतू बात कहता है, ये कौन बांग्लादेश से आया, बीजेपी चाहता है वहाँ से माइनोरिटीज को हटाने के लिए ये काम करता है। प्रदीप भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। उधर इस नोकझोंक वाले ड्रामे के दूसरे किरदार अश्विनी चौबे तो कह रहे हैं कि घुसपैठियों की पहचान बंगाल और बिहार में भी होनी चाहिए। बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठ है, बंगाल में है, बड़े पैमाने पर है, और निश्चित रूप से असम के अंदर हुआ है, बिहार में भी होना चाहिए, सब जगह जहाँ भी है वहाँ शुरू करना चाहिए, इसमें दो मत नहीं। बांग्लादेशी घुसपैठ को हम इस देश में स्वीकार नहीं कर सकते। कुल मिलाकर इस मामले को बीजेपी ठंडा नहीं करना चाहती और तुष्टीकरण की राजनीति में भरोसा रखने वाली कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटना चाहती। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।